हेलो मित्रों, जय माता दी। मित्रों आज 11 फरवरी मंगलवार का दिन है। ऐसे में कुंभ राशि वाले जातकों के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन आपको बताएंगे। आपके व्यापार करियर उनसे जुड़े बहुत सारे ऐसे पहलुओं के बारे में जो कि आपके आने वाले दिनों को बेहतर बनाने में काफी लाभकारी सिद्ध होंगे। मित्रों आज के दिन कौन से क्षेत्रों में कार्य करें जिनसे कि आपको ज्यादा सफलता, आपके मान सम्मान स्कृति में वृद्धि हो सके, आप अपने कार्य क्षेत्र में बेहतर प्रदर्शन कर सको, इसके लिए क्या करें क्या ना करें, क्या कहते हैं आपके सितारे, आपका लकी कलर लकी नंबर कौन सा रहने वाला है आपको बताएंगे। आपके ग्रह गोचर आज आपके जीवन में कौन कौन से सकारात्मक परिवर्तन करने वाले हैं आपको बताएंगे सारी जानकारी विस्तार से। वीडियो को आखिरी तक देखिएगा, उससे पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि रोजाना राशि फल आपको समय से मिल सके और आप आने वाले दिनों को बेहतर बना सकें। मित्रों कुंभ राशि वाले जातकों को बताना चाहूँगा कि आपके लिए आज का दिन बेहतरीन रहने वाला है। अगर आप अपने जीवन साथी से स्नेह की आशा रखते हैं तो आज का दिन आपकी आशाओं को पूरा करेगा। आज आपका आर्थिक पक्ष मजबूत रहेगा। आज आप अपने व्यापार रोजगार को बढ़ाने के लिए किसी नए व्यापार और नई राजनीति कर सकते हैं। आपके द्वारा बनाई गई रणनीति काफी कारगर साबित होंगे। आज आपको अचानक धन की प्राप्ति हो सकेंगे। आज परिवार के सदस्यों की जरूरतों को पूरा करने में आप काफी कामयाब रहेंगे। जीवन साथी के साथ आप कहीं घूमने का प्लान बना सकोगे और अच्छे मौसम का लुत्फ उठा सकोगे। आज के दिन आप अपने सारे कामों को सही समय पर निपटा सकोगे, आपके सारे काम बनेंगे। आज का दिन आपके लिए काफ़ी अच्छा रहने वाला है। जो लोग विद्यार्थी वर्ग के हैं उनका मन पुस्तक पढ़ने का कर सकता है। इस राशि के जो लोग व्यापार से जुड़े हैं उनके लिए आज का दिन काफ़ी अच्छा है। आप परिवार के सदस्यों के साथ कुछ आराम के पल व्यतीत कर सकोगे। अगर आज आप कहीं यात्रा करने की सोच रहे हैं तो आप यात्रा अवश्य करें, यात्रा से आपको लाभ मिलेंगे। परंतु आप अपना जरूरी सामान अवश्य ले लाएं, आपको जरूरत पड़ सकती है। आज का दिन आपके लिए कई मायनों में महत्वपूर्ण रहने वाला है। मित्रों कुंभ राशि वाले जातकों को बताना चाहूँगा कि आज के दिन अगर आप किसी प्रतियोगिता परीक्षा में हिस्सा ले रहे हैं उसमें आपको बेहतर परिणामों की प्राप्ति होने वाली है। आपके द्वारा बनाई गई रणनीति काफ़ी कारगर और काफ़ी अच्छी रहने वाली है। मित्रों कुंभ राशि वाले जातकों को बताना चाहूँगा कि आज के दिन आप नया व्यापार, नया रोजगार या फिर नए कार्यों की शुरुआत कर सकते हैं। आज का दिन शुभ कार्यों को करने के लिए काफ़ी उत्तम रहने वाला है। आपके द्वारा आप जो भी कार्य करोगे उसमें आपको सफलता अवश्य मिलेंगे। आज के दिन आपको भाग्य का पूरा पूरा सहयोग प्राप्त होगा जिसकी वजह से आप जो भी कार्य करोगे उसमें आपको सफलता निश्चित तौर पर मिलने वाली है। आज के दिन आप अपने वाणी पर संयम रखें क्योंकि आज आपके वाणी में कठोरता आ सकते हैं और आपकी बनी बनाई बात भी बिगड़ सकती है। ऐसे में आपको सावधान होकर, सतर्क होकर अपने कार्यों को करते हुए अपने जुबान पर थोड़ा सा संयम बरतने की ज़रूरत है। आज आप नया घर, नया वाहन या फिर नए प्रॉपर्टी की खरीदारी भी कर सकते हैं। आपको बताना चाहेंगे कि आज के दिन आप सफलता प्राप्त करोगे और जीवन में चल रहे समस्याओं से, आपके जो भी परिवार में चल रहे पारिवारिक कलेश हैं उन सबों से आपको छुटकारा मिलेगा, आप तरक्की कर सकोगे। अगर आप व्यापार में किसी प्रकार की नई योजनाओं को शामिल करना चाहते हैं उसके लिए भी समय काफ़ी शुभ है। आज आपके दिमाग में काम और काम ही रहेंगे और जिसकी वजह से आप इनकम के स्रोत को बढ़ा सकोगे। प्रॉपर्टी के सिलसिले में आज का दिन काफ़ी बेहतर रहेगा। आप अच्छे समाचारों की प्राप्ति कर सकोगे जिससे आप काफ़ी खुश रहेंगे। यदि आप किसी से प्रेम करते हैं तो आज के दिन आप काफ़ी अच्छे तरीके से उन्हें अपने दिल की बातों का इजहार कर सकते हैं। जो लोग शादीशुदा हैं उनके दाम्पत्य जीवन में आज प्यार बढ़ेगा। एक दूसरे के प्रति आपके मन में इज्जत के साथ साथ सहानुभूति बढ़ेंगे। व्यापार के सिलसिले में अच्छे परिणाम आज आपको देखने को मिलेंगे। यदि आप कहीं नौकरी करते हैं तो आपका मन उससे दूर जाने का अर्थात नौकरी बदलने का हो सकता है।
ट्रांसफर के अच्छे योग दिख रहे हैं। आज का दिन आपके व्यापार के लिए काफी अनुकूल रहेगा। आप अपने विरोधियों को नाकों तले काफी अच्छे तरीके से शांत कर सकोगे। आज के दिन दाम्पत्य जीवन में जीवन साथी से संबंध बेहतर बनेंगे और आपका रिश्ता पहले से और भी अधिक बेहतर रहेगा। आप काम के सिलसिले में अनुकूल परिणामों की प्राप्ति भी कर सकोगे। आज का दिन भाई बहनों के और मित्रों के साथ वक्त बिताने में गुजर सकता है। मन में आपके खुशियां रहेंगे। आज के दिन आप अपने मानसिक क्लेशों को दूर कर सकोगे और जीवन में चल रहे समस्याओं से छुटकारा पा सकोगे। आज का दिन सुखी तरीके से व्यतीत होगा। आप अपनी माता के प्रति विशेष स्नेह दिखाएंगे जिससे उनका आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। आपको सुख की प्राप्ति होंगे। आपके कार्यों में आपको सफलता मिलेंगे और कुछ लोगों को नौकरी बदलाव या ट्रांसफर की खबर मिल सकती है। आज के दिन आपको बताना चाहेंगे कि आप अपने प्रेम जीवन में अपने जीवन साथी को लेकर कहीं बाहर घूमने फिरने या फिर लंबी दूरी की यात्रा करने जा सकते हैं। आज के दिन भाग्य तो आपके साथ खड़ा है लेकिन आपका शरीर किसी स्वास्थ्य समस्याओं से झेल सकता है। आज के दिन मानसिक रूप से आप थोड़े दबाव रहेंगे जिससे आपको कामों में दिक्कतें आ सकती हैं, परंतु आप मनचाही यात्रा कर सकोगे और आपकी मनचाही कार्य भी पूरे होंगे। आपके जीवन में कोई नया व्यक्ति आ सकता है और आपको बताना चाहेंगे कि यदि आप शादीशुदा हैं तो दाम्पत्य जीवन में आप पति पत्नी एक दूसरे को समझ सकोगे और एक दूसरे की भावनाओं की कद्र कर सकेंगे। अच्छे कार्यों के लिहाज से आज का दिन काफ़ी अच्छा है। लोगों की नज़र में आपकी इज्जत बढ़ेंगे। आज आपको कई अच्छे अवसर मिलेंगे और आपके इनकम बढ़ने वाली हैं। इनकम को बढ़ाने वाले कुछ नए नज़रिए और कुछ नए सोर्स भी आपको मिल सकते हैं। जहां आप नौकरी करते हैं वहां कुछ लोगों से आपकी मुलाकात हो सकती हैं। आज आपके बॉस आपके सहकर्मी आप पर काफ़ी मेहरबान रहेंगे और आज के दिन आप किसी नए कार्य की नए प्रोजेक्ट का शुरुआत कर सकते हैं जिसमें आपको सहकर्मियों का सहयोग मिलेगा। आपके द्वारा किए गए कार्यों से आपके बॉस काफ़ी प्रसन्न होकर आपके लिए कोई उपहार गिफ्ट कर सकते हैं। आपको सैलरी बढ़ोतरी या फिर पदोन्नति के अच्छे सुनहरे अवसर प्राप्त होंगे। आज के दिन आपको तीसरे कामों के लिए तीन क्षेत्रों में बहुत अच्छे परिणाम मिलेंगे। आपको जिसमें कि पहला है आपका कर्म, अर्थात आप जहां भी कार्य कर रहे हैं, आप खुद का व्यवसाय, खुद का रोजगार या फिर खुद का जॉब करते हैं, वहां आपके कामों की प्रशंसा होंगे, आपके तारीफ होंगे और लोग आपकी सलाह से काम करना पसंद करेंगे। दूसरी स्थिति होंगे आपके आर्थिक स्थिति, क्योंकि उसमें आज आपको अच्छा लाभ दिखाई दे रहा है। मित्रों, आपके आर्थिक स्थितियां पहले से काफ़ी मजबूत रहेंगे। दाम्पत्य जीवन में आपको अपने प्रेमी से काफ़ी अच्छे और कई सारे उपहार की प्राप्ति हो सकेंगे। आज के दिन व्यापार में आपको अच्छा खासा मुनाफा मिलेगा और परिवार में भी सभी लोग हंसी खुशी में रहेंगे। आपको स्वादिष्ट भोजन खाने को मिलेंगे जिससे आपके चेहरे पर खुशियाँ रहेंगे। आज आपको बताना चाहेंगे कि अगर आप सिंगल हैं और आपके जीवन में प्रेम अभी तक प्रवेश नहीं किया तो आज के दिन आप किसी के साथ प्रेम कर सकते हैं। आज के दिन आप अपने यादों को ताज़ा कर सकोगे। आज आप पुराने दोस्तों मिल सकोगे। आज भाग्य के बलबूते आप सफलता के पायदान पर चलेंगे और आपके मान सम्मान में काफ़ी वृद्धि होंगे। आपके पिता से आपके संबंध बेहतर बनेंगे और आप समाज में एक अच्छा स्थान प्राप्त करेंगे। आज के दिन आपको कहीं से अच्छा धन लाभ हो सकता है। पारिवारिक जीवन की बात करें तो घरेलू मोर्चों पर भी आज आप मुकद्दर के सिकंदर बने रहोगे। परिवार में खुशियां देखते ही बनेंगे जिससे आपको भी काफ़ी अच्छा महसूस होगा। आज आप अपनी मेहनत के बल पर आगे बढ़ सकोगे। नौकरी करने वालों को समान संतुष्टि प्राप्त होंगे और आपके पद प्रमोशन या फिर सैलरी बढ़ोतरी के बारे में आपको कोई उपहार मिल सकता है।
मित्रों आपको बताना चाहेंगे कि आज आप एक दूसरे के साथ कहीं बाहर घूमने जा सकोगे, आज आपके इनकम में वृद्धि होंगे, आप अपने कामों में सफलता प्राप्त करके काफी मजबूती से खड़े रहोगे, आपके आत्मविश्वास में आज के दिन बढ़ोतरी होने वाली है, आप नया वाहन खरीद सकते हैं। परंतु आप वाहन खरीदते समय एक बार प्रॉपर्टी से अवश्य चेक करें। आपका दिन शुभ रहे इसके लिए कमेंट बॉक्स में जय माता दी अवश्य लिखें। आपका दिन शुभ हो, मंगलकारी हो, जय माता।